चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लड़कियों का एमएमएस कथित तौर पर लीक। स्टूडेंट ने रात भर किया है भारी प्रदर्शन। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान पांडे और आप देख रहे हैं नजर टुडे। मोहाली स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लड़कियों के वीडियो बनाकर उन्हें कथित तौर पर लीक करने का मामला सामने आया है। वीडियो बनाने का आरोप हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की पर है। पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच कर रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद रात में यूनिवर्सिटी कैंपस में भारी संख्या में छात्रों ने जुटकर प्रदर्शन किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रों की भारी भीड़ कैंपस में प्रदर्शन कर रही है और हमें न्याय चाहिए के नारे लगा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत करने की पूरी कोशिश की। मोहाली के एसएसपी विवेक सोनी के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआई ने लिखा है, एक मामला सामने आया था कि हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की ने कोई वीडियो बनाया है। इसके बाद एक अफवाह फैल गई कि दूसरी लड़कियों का भी वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया था। इसी मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी मामले की जांच चल रही है। आपसे अपील है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। वहीं सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि कई लड़कियों ने सुसाइड करने की कोशिश की है। हालांकि स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर का कहना है कि केवल एक लड़की बेहोश हुई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति काफी बेहतर बताई जा रही है। वहीं एसएसपी ने बताया कि मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक किसी भी लड़की की मौत नहीं हुई है, यह केवल एक अफवाह है। पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाठी ने कहा, यह गंभीर मामला है, इसकी जांच की जा रही है। मैं यहां सभी के माता पिता से आश्वस्त करने के लिए हूं कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट कर कहा है, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों से अपील करता हूँ, शांत रहें, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और हमारी बहनों और बेटियों की गरिमा से जुड़ा हुआ है। मीडिया सहित हम सभी को बहुत सतर्क रहना चाहिए। यह एक समाज के रूप में अब हमारी भी परीक्षा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने कई छात्रों के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल किए हैं। ये बेहद संगीन और शर्मनाक मामला है। इसमें शामिल सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पीड़ित बेटियां हिम्मत रखें, हम सब आपके साथ हैं, सभी संयम से काम लें। यूनिवर्सिटी से कई वीडियो भी सामने आए मैच, जिसमें देखा जा सकता है कि कोई महिला अधिकारी आरोपी लड़की से पूछताछ कर रही है और उसे सच बोलने के लिए कह रही है, लेकिन लड़की मामले के बारे में कुछ नहीं बता पा रही है। वहीं एक अन्य वीडियो में हॉस्टल में रहने वाली अन्य लड़कियां आरोपी लड़की से पूछताछ करती दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में आरोपी ने वीडियो बनाने की बात कबूल की। उससे यह भी पूछा जाता है कि आप पर क्या वीडियो बनाने के लिए कोई दबाव बना रहा था। इस तरीके की वारदात सुनकर दिल थम सा जाता है और सवाल यह उठता है कि आखिर इंसान विश्वास करे तो किस पर करें। तो ये थी अब तक की तमाम खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।